दिलचस्प है आशुतोष रेणुका की पहली मुलाकात। ऐसी शुरू हुई लव स्टोरी। बॉलीवुड अभिनेत्री रेणुका शहाणे को सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन में भाभी का रोल प्ले करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया है, मगर वो फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साल 2018 में ही माधुरी दीक्षित की फिल्म बकेट लिस्ट से ये जोड़ी काफी लंबे समय बाद किसी फिल्म में साथ काम करती नजर आई। रेणुका सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अपनी बातें बेबाकी से रखती हैं। वे बॉलीवुड के धाकड़ एक्टर आशुतोष राणा की पत्नी हैं। रेणुका के बर्थडे पर आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। अभिनेत्री रेणुका शहाणे का जन्म 27 मार्च 1965 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से आर्ट्स साइकोलॉजी मेजर की पढ़ाई की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की। रेणुका ने 25 मई 2001 को बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा से शादी की थी। खबरों के मुताबिक दोनों की मुलाकात डायरेक्टर हंसल मेहता की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों को सिंगर राजेश्वरी सचदेव ने मिलवाया था। उस समय तक आशुतोष तो रेणुका के काम के बारे में जानते थे, लेकिन रेणुका उनसे अनजान थी। एक वेबसाइट से बात करते हुए आशुतोष ने बताया कि उन्होंने रेणुका से कहा कि हम आपके बड़े प्रशंसक हैं। यह सुनकर रेणुका काफी खुश हुई, लेकिन इसके बाद कई महीनों तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। एक वेबसाइट के मुताबिक डायरेक्टर रविवार राय ने दिवाली पार्टी आयोजित की, जहां आशुतोष नहीं पहुंच सके। इसके अगले दिन आशुतोष ने वॉयस मेल के जरिए रेणुका को दिवाली की शुभकामनाएं दी। यह 17 अक्टूबर का दिन था। इसके बाद 19 अक्टूबर को उन्होंने फिर से रेणुका को फोन किया और इसके बाद 20 अक्टूबर 1998 को एक बार फिर से उन्होंने रेणुका को फोन किया। रेणुका ने बताया कि थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उन्हें फोन किया और हम दोनों ने लगभग एक घंटे तक फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि वो दिन बहुत अच्छे थे। हम दोनों अपने बिजी शेड्यूल के चलते केवल फोन पर ही बात कर पाते थे और आखिरकार लगभग 3 महीने फोन पर बात करने के बाद 31 दिसंबर 1998 को हम दोनों मिले। रेणुका पहले से शादीशुदा थी, लेकिन बहुत कम समय में ही उनकी शादी टूट गई थी। रेणुका आशुतोष के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ संदेह में थी, लेकिन आशुतोष को दोनों के रिश्ते को लेकर किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। रेणुका की माँ उनकी शादी को लेकर थोड़ी परेशान थी। इसलिए नहीं क्योंकि यह उनकी दूसरी शादी थी, बल्कि इसलिए कि आशुतोष मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे और उनका परिवार काफी बड़ा था। इसके लगभग 2.5 साल के बाद दोनों ने आशुतोष के गांव दमोह में शादी कर ली। दोनों के दो बेटे शौर्यमन और सत्येंद्र हैं। बता दें कि उम्र में रेणुका आशुतोष से लगभग 4 साल बड़ी हैं। रेणुका की उम्र 56 साल है, जबकि आशुतोष 51 साल के हैं।